भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी जिहादी मानसिकता से बाज आएं। ये शिवराज सरकार है, अपनी पहचान छुपाकर जिहादी मानसिकता वालों को सरकार सही जगह पहुंचाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि अपनी पहचान छुपाकर महिला के साथ बदसलूकी करने वाले जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। ये शिवराज जी की सरकार है, 10 फीट गड्ढा खोदकर ऐसे जिहादियों को सही जगह पहुंचाया जाएगा। नेहा बग्गा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हो या आरिफ मसूद, अब अपनी जिहादी मानसिकता से बाज आ जाए। सावन के अंदर जो हिंदू बहनें हैं, माताएं हैं, वो चूड़ियां खरीदने का काम करती हैं, त्यौहार मनाती हैं, और जिस तरीके से एक व्यक्ति चूड़ी बेचने का काम कर रहा था अपनी पहचान छुपाकर, और चूड़ी के बहाने जो उसने महिला के साथ बदतमीजी की है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मानसिकता रखी हुई है जिहादी कांग्रेसियों ने, और जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर दो दो आधार कार्ड रखकर बदसलूकी करना हो, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। इस प्रकार की मानसिकता वालों को 10 फीट गड्ढा खोदकर अंदर गाड़ा भी जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा भी जाएगा, चाहे आरिफ मसूद साहब हो या दिग्विजय सिंह जी। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।